हाई स्टूडेंट्स, वेलकम टू PhD जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी। सो इस वीडियो में मैं आप सभी को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या UP, यहाँ पे जो PhD के लिए नोटिफिकेशन आया है इस साल के लिए, उसके बारे में मैं काफ़ी सारी जो डिटेल्स है मैं आप सभी को देने वाली हूँ। सो यहाँ पे जो PhD एडमिशन का नोटिफिकेशन 5 अप्रैल को आया है एंड एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। सो हम लोग सब्सिक्वेंटली आगे की इन्फॉर्मेशन देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या की वेबसाइट। एंड यहाँ पे देखो 3 एडमिशन सेक्शंस है, कैंपस एडमिशन, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज एडमिशन एंड PhD एडमिशन। सो जैसे ही आप PhD एडमिशन 2022 के ऊपर क्लिक करोगे, देन आपको नया विंडो मिल जाएगा जो मैंने पहले से ही ओपन करके रखा है। सो दिस इज द विंडो एंड यहाँ पे आपको लॉग इन करना है। आपको यहाँ इसी विंडो से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। सो ये सब चीज़ें हम लोग आगे से देखेंगे। सो यहाँ पे जो 4 बॉक्सेस है रेड में, सो उनमें से पहला है इंस्ट्रक्शन मैनुअल, इंपॉर्टेंट डेट्स है PhD ऑर्डिनेंस, PhD एडवर्टाइजमेंट। सो सबसे पहले हम लोग PhD एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, व्हाट इज़ दैट। सो यहाँ पे PhD एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आया है सेशन 2022-23। दो यहाँ पे सेशन 2022-23 है, बट ये इस साल के लिए है। यहाँ पे एक्चुअली वो एक साल पीछे चला गया है। सो अगर आपको PhD के लिए एडमिशन लेना है, देन आप सभी को कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे देनी है एंड यहाँ पे आप फुल टाइम मोड एंड पार्ट टाइम मोड दोनों के लिए भी एप्लीकेशन कर सकते हो। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जो कि मुझे यहाँ से ही मिला है इंस्ट्रक्शन मैनुअल पे क्लिक करके। सो इंस्ट्रक्शन मैनुअल में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, जैसे कि एडमिशन प्रोसेस जो है आपका वो 2 पार्ट में होगा। उनमें से फेज ए जो होगी वो रिटन टेस्ट के लिए होगी एंड फेज बी जो होगी वो इंटरव्यू या फिर वाइवा वोस के लिए होगी। एंड जो स्टूडेंट्स ऐसे है जिन्होंने जूनियर रिसर्च फेलोशिप पा ली है इन UGC नेट या फिर UGC CSIR नेट या फिर गेट या फिर सीड या फिर सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट में, इन सभी स्टूडेंट्स को एंट्रेंस एग्जाम नहीं देनी है। उनको सिर्फ इंटरव्यू सेशन में पार्टिसिपेट करना है। एंड ऐसे स्टूडेंट्स जो रेगुलर या फिर वर्किंग टीचर्स है इन दिस यूनिवर्सिटी एंड एज वेल इस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज है वहाँ पे, सो ऐसे भी स्टूडेंट्स को यहाँ की एंट्रेंस टेस्ट नहीं देनी है। उनको सिर्फ इंटरव्यू सेशन में पार्टिसिपेट करना है। ओके, बट ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास जूनियर रिसर्च फेलोशिप नहीं है बट जिनके पास लेक्चरशिप है बाय क्वालिफाइंग UGC नेट या फिर UGC CSIR नेट या फिर सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट, इन सभी कैंडिडेट्स को CET एग्जाम देनी है। ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। एंड आपका जो 70% वेटेज होगा वो CET के लिए होगा, यानी कि रिटन टेस्ट, एंड 30% वेटेज ये इंटरव्यू के लिए होगा। ओके, फाइन। सो स्टूडेंट्स, नाउ हम लोग देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। सो आप सभी के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए विथ मिनिमम 55% मार्क्स एंड जो रिजर्व्ड कैटेगरी से कैंडिडेट्स है एंड जो EWS कैटेगरी से कैंडिडेट्स है एंड जो डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स है, उन सभी के लिए 5% रिलैक्सेशन है। ओके, एंड जिन स्टूडेंट्स ने MPhil प्रोग्राम हासिल किया है विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स, ऐसे भी स्टूडेंट्स यहाँ पे PhD प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, बट इन स्टूडेंट्स को एंट्रेंस एग्जाम देनी है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो क्या है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें आपको 50% क्वेश्चंस ये रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन से पूछे जाएंगे एंड 50% क्वेश्चंस ये आप सभी को सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज से पूछे जाएंगे। ओके, एंड आपकी जो एग्जामिनेशन है ये यूनिवर्सिटी के कैंपस में भी में ही ली जाएगी या फिर यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग जो एफिलिएटेड कॉलेजेस है वहाँ पे ली जाएगी। एंड बेसिकली आपकी जो एंट्रेंस टेस्ट है वो MCQs रहेगी एंड टोटल 70 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। उनमें से 35 क्वेश्चंस रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर रहेंगे एंड 35 क्वेश्चंस सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेंगे। एंड जो टोटल आवर्स होंगे एग्जामिनेशन के वो रहेंगे 2 आवर्स एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 50% मार्क्स। एंड जब भी आप 50% मार्क्स हासिल करोगे तब भी आपको इंटरव्यू सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउंस दिया जाएगा। ओके,
एंड जो स्टूडेंट्स रिजर्व कैटेगरी से है एंड जो डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी से है या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से है उनके लिए 5% रिलैक्सेशन है. ओके फाइन. ओके सो स्टूडेंट्स जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि रिसर्च मेथडोलॉजी सेक्शन है यहाँ पे रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के लिए यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी के लिए. एंड दैट्स व्हाई ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी के लिए रिसर्च मेथडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट कोर्स लेकर आई है जिस कोर्स की मदद से आप सभी पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को विद इन इंडिया क्वालिफाई कर सकते हो. सो इस कोर्स में आप सभी को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जिसमें थियरीज एंड एमसीक्यूज दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है. आपको इसमें फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट मिलते हैं. यू विल गेट मोर देन 1500 एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है. ओके सो स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज एंड दैट्स व्हाई ओवरऑल आपके इसमें 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस रिविजन पीडीएफ आप सभी की बहुत अच्छी रिविजन हो जाती है एंड बेसिकली आप सारे टॉपिक्स के ऊपर रिविजन कर सकते हो एंड गारंटेड आपको 80% एमसीक्यूज इसी में से ही मिलते हैं आउट ऑफ 100% एमसीक्यूज इन योर रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ ऑल पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन. ओके सो स्टूडेंट्स अगर आपको कंप्लीट कोर्स को परचेस करना है देन ईदर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. एंड द कोर्स फीस आर ओनली 699 रुपीज तो काफ़ी कम है स्टूडेंट्स. एंड जब भी आप कोर्स को परचेस करते हो देन ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को 100% पासिंग गारंटी देती है एंड एज वेल ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड करती है एट ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ योर पीएचडी एडमिशन प्रोसीजर. ओके सो स्टूडेंट्स अगर आपको डेमो वीडियो लेक्चर्स देखने हैं देन आप फ्री ऑफ कॉस्ट ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो. देन आपको खुद को साइन अप करके साइन इन करना है देन गो टू द स्टोर सेक्शन एंड वहां पे जाने के बाद सर्च बार में रिसर्च मेथडोलॉजी कंप्लीट कोर्स ऐसा टाइप कीजिए देन आपको कोर्स का पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा. देन गो टू द कंटेंट सेक्शन उसमें वीडियो लेक्चर्स होंगे नोट्स है उसमें मॉक टेस्ट है सैम्पल पेपर्स है क्वेश्चन बैंक है एडिशनल मटेरियल है एंड थियोरी लेक्चर्स है. सो यहाँ पे जिधर जिधर भी यू नो फ्री कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है सो दिस फ्री कंटेंट्स आप सभी लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो एंड आफ्टर व्यूइंग दिस फ्री कंटेंट्स आप सभी लोग कोर्स को परचेस कर सकते हो. ओके फाइन सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस गो बैक टू द यूनिवर्सिटी वेबसाइट. ओके सो स्टूडेंट्स आप कितने सारे सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो वो देखते हैं. सो सब्जेक्ट इन रेगुलर डिपार्टमेंट बायोकेमिस्ट्री मॉलिक्यूलर सॉरी माइक्रोबायोलॉजी फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एनवायरमेंटल साइंस बिजनेस मैनेजमेंट एंड एंट्रोप्रिन्योरशिप देन इकोनॉमिक्स एंड रूरल डेवलपमेंट हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन देन सब्जेक्ट्स इन सेल्फ फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फिजिक्स मैनेजमेंट कंप्यूटर एप्लीकेशन फिजिकल एजुकेशन एजुकेशन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म एंड सब्जेक्ट्स फॉर पीएचडी इन रेगुलर डिपार्टमेंट्स ऑफ एफिलिएटेड कॉलेजेस बॉटनी केमिस्ट्री जुअलॉजी मैथमेटिक्स फिजिक्स कॉमर्स एंशियंट हिस्ट्री इकोनॉमिक्स एजुकेशन इंग्लिश जियोग्राफी हिंदी मिडिवल हिस्ट्री मिलिट्री साइंस पॉलिटिकल साइंस साइकोलॉजी संस्कृत सोशियोलॉजी उर्दू लॉ फिजिकल एजुकेशन. सो यहाँ पे जिधर जिधर भी स्टार मेंशन किया है ओके सो बेसिकली ये है जहाँ जहाँ पे स्टार मेंशन किया है उसका मतलब है कि उनके जो टेस्ट पेपर्स है वो सेम ही रहेंगे एंड जो डबल स्टार मेंशन किया है उसका मतलब है कि द प्रोग्राम इज अंडर सेल्फ फाइनेंसिंग मोड एंड मस्ट बी कंसिडर्ड विद द सेल्फ फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी कैंपस. ओके एंड यहाँ पे आपको फीस स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड की है कि पीएचडी कोर्स वर्क के लिए कितनी फी आपको लगेगी जैसे कि 25,000 कोर्स वर्क फी रहेगी रजिस्ट्रेशन फी 3,000 है पर सेमेस्टर फी 5,000 है थीसिस इवेल्युएशन फी 20,000 है देन द फी स्ट्रक्चर फॉर स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन रेगुलर प्रोग्राम. सो पहला जो था वो फुल टाइम के लिए था एंड इधर जो है वो पार्ट टाइम. सो पार्ट टाइम के लिए कोर्स वर्क फी है 50,000 रजिस्ट्रेशन फी है 10,000 पर सेमेस्टर फी है 15,000 थीसिस इवेल्युएशन फी है 25,000. ओके
सो स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटरव्यू क्राइटेरिया जो है वो मेंशन किया है, यानी कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड, देन कितने कितने स्कोर्स आपको लगेंगे एंड आपको मार्क्स कैसे दी जाएंगे बेस्ड ऑन योर एकेडमिक रिकॉर्ड, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन की है. सो या सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस गो बैक अप. ओके सो एप्लीकेशन फीस जो है वो 2000 है, मतलब पीएचडी एप्लीकेशन फी फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स एंड 1000 है फॉर एससी और एसटी कैंडिडेट्स. एंड यहाँ पे जो डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स की जो फीस है वो मेंशन नहीं की है, यानी कि उनके लिए कोई भी फीस नहीं है. ओके एंड अगर आप लेट फीस पे करते हो देन वहाँ की आपकी फीस रहेगी 3000 फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए एंड एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए रहेगी 2000. ओके नाउ स्टूडेंट्स आपका जो सिलेबस रहेगा फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वो सिलेबस जो पीजी का सिलेबस है आपका एट दिस यूनिवर्सिटी वही रहेगा. एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस आपको मेंशन नहीं किया है, सो रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए जो मेन टॉपिक्स है वही आपको रेफर करने पड़ेंगे. एंड ये सारे टॉपिक्स हमने कोर्स वर्क में मेंशन किए हैं, जो कोर्स वर्क मैंने अभी आप सभी के साथ मेंशन किया, डिस्कस किया. ओके सो जब भी आप यूनिवर्सिटी के इस वेबसाइट पे जाओगे देन यू विल गेट ऑल द सिलेबस ऑफ योर ऑफ योर पीजी वर्क. ओके सो इस वेबसाइट पे आपको सभी सिलेबस मिलेगा. सो जैसे कि देखो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस मेंशन किए हैं. सो पीजी पोस्ट ग्रेजुएट साइंस कोर्सेज का सिलेबस है, पोस्ट ग्रेजुएट आर्ट कोर्स का है. सो आई एम गोइंग टू गिव द लिंक ऑफ दिस इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, सो डोंट वरी. सो आप ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में जाके देख सकते हो कि क्या क्या सिलेबस है. ओके नाउ स्टूडेंट्स आई वॉन्ट टू टेल यू वन मोर थिंग इज दैट या आपका जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि एडवर्टाइजमेंट 5th अप्रैल को आई है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस 5th अप्रैल को स्टार्ट हो चुके हैं एंड जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो है 5th में. लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की विथ लेट फीस वो है 10th में. आपकी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो 4th जून में होगी. देन डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 28th जून को लगेगा. देन लास्ट डेट ऑफ कंप्लीटिंग द इंटरव्यू वो होगा 38th जुलाई. देन डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट होगा 10th जुलाई को. आपका जो कोर्स वर्क है ओके वो 15th जुलाई को स्टार्ट हो जाएगा. एंड लास्ट डेट फॉर कोर्स वर्क फी डिपोजिशन इज 30th जुलाई, मतलब कोर्स वर्क का जो फी डिपोजिशन है वो आपका 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा एंड लास्ट डेट है उसका 38th जुलाई. ओके एंड जो कोर्स वर्क जो होगा आपका प्रॉपर वो अगस्त 2023 में शुरू हो जाएगा. ओके एंड यहाँ पे और एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, जैसे कि 6 मंथ्स कोर्स वर्क इन फेब्रुवरी 2024 फॉर स्टूडेंट्स एडमिटेड इन एकेडमिक सेशन 22-23, मतलब आपका जो कोर्स वर्क रहेगा वो 6 मंथ्स का रहेगा एंड वो फेब्रुवरी 2024 में ख़त्म हो जाएगा. ओके सो स्टूडेंट्स नाउ लेट इज गो बैक ओवर हियर. सो आप यू नो ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करोगे. सो सबसे पहले आपको स्टेप 1 है फ्री रजिस्ट्रेशन करना है फॉर फीस पेमेंट. सो सबसे पहले प्री रजिस्ट्रेशन करके फीस को पे करना है. देन सेकेंड स्टेप ऑनलाइन फी पेमेंट आपको करनी है. देन आफ्टर दैट आपको पूरा पीएचडी एंट्रेंस फॉर्म जो है वो फिलअप करना है एंड उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको रेफरेंस नंबर डालना है एंड ट्रांजैक्शन आईडी डालनी है. देन आफ्टर दैट आपको सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करने हैं. देन फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना है लॉगिन करने के बाद. देन फाइनल सबमिशन करना है आफ्टर लॉगिन. एंड इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म की जो प्रिंट आउट है वो आपको अपने पास रखनी है फॉर फ्यूचर रेफरेंस. ओके एंड देखो यहाँ पे जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो. ओके सो स्टूडेंट्स आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप सभी के साथ शेयर की है. जैसे कि यूनिवर्सिटी ने वेकेंट सीट्स के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी तक प्रोवाइड नहीं की है, बट आगे यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी. सो फॉर दैट मैं आपको और एक नोटिफिकेशन दूंगी. सो अंटिल दैट वेट एंड तभी तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कीजिए. ओके